क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 5 स्टडी करेंगे। पढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस, हम अपने आसपास के लोगों को कैसे जज करते हैं, क्या उनकी मनी से, उनकी पैसे से, उनकी वेल्थ उनकी दौलत से, या उनकी पोसेशंस के, या उनके पास क्या क्या सामान होता है, या उससे भी ज़्यादा कोई एंड्योरिंग वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू हम लुक करते हैं, देखते हैं किसी पर्सन में उसको जज करने के लिए कि वो अच्छा है या बुरा है, क्या हम उसकी मनी से या बाकी चीज़ों से उसे जज करते हैं। इस स्टोरी में बड़ा ही एक सेंसिटिव अकाउंट दिया गया है। एक पुअर यंग गर्ल है जो जिसके क्लासमेट उसे जज करते हैं, उस लड़की का नाम है वांडा पेट्रांस्की। वो एक पॉलिश गर्ल है, पॉलिश गर्ल मतलब वो पॉलिश से बिलोंग करती है और इस समय वो अमेरिका में है, अमेरिकन बच्चों के साथ एक अमेरिकन टाउन में है वो। और ये जो बच्चे हैं ये वांडा को एज ए डिफरेंट अलग देखते हैं, बहुत तरीक़ों में अलग देखते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, क्या आप देख सक बता सकते हैं कि वो उसे कैसे ट्रीट करते हैं। वांडा के साथ वे बच्चों का क्या ट्रीटमेंट रहता है, ये इस चैप्टर की बेसिक स्टोरी है। अब जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी आई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, थोड़ा सा आपको उसका हिस्ट्री बता रखा है कि जो पहले पॉलिश इमिग्रेंट्स आए थे अमेरिका में वो 1608 में आए थे, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा जो पॉलिश पीपल थे वो अमेरिका में क्या हुए, माइग्रेट हो गए, अमेरिका में वो आ गए। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन टू एथेनिसिटी। जो पॉलिश स्टेट थी वो उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो जो वहाँ के लोग आए थे उन्हें उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन से जाना जाता था, यानी उन्हें रशिया से आए हुए पोल्स को रशियन पोल्स, जर्मनी से आए हुए को जर्मनी पोल्स, और ऑस्ट्रेलिया से आए हुए को ऑस्ट्रेलियन पोल्स बोला जाता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट नोटेबल जो फेमस पॉलिश कम्युनिटी थी वो थी पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी, जो शिकागो में और उसके आसपास के एरियाज में रहती थी। और सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोल्स रहते थे। वॉर्सो पोलैंड की कैपिटल है, उससे नेक्स्ट जो पॉपुलेशन थी वो इस अमेरिका में रहती थी। और बच्चों के साथ जो लोगों के साथ जो पॉलिश कम्युनिटी के लोग थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था एज देवर द आयरिश इटालियंस एंड द ज्यूज, जैसे आयरिश इटालियन और ज्यूज के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, वैसा ही डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों के साथ भी किया जाता था, भेदभाव किया जाता था इन लोगों के साथ में। और 1.4% ऑफ पीपल अमेरिका के 2.05% पॉपुलेशन क्या थी, पॉलिश थी, जो कि पोलैंड से अमेरिका में माइग्रेट होकर आए थे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है पॉलिश पीपल का। नाउ कम टू द स्टोरी, हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, एक स्कूल का सीन है, एक क्लासरूम का सीन है, और बोला गया है टुडे मंडे, आज कौन सा दिन है, मंडे। वांडा पेट्रांस्की वॉज नॉट इन हर सीट, आज वांडा पेट्रांस्की अपनी सीट पे नहीं बैठी। बट नोबडी नॉट इवन पेगी एंड मेडलिन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस, लेकिन किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया, ना पेगी ने ना मेडलिन ने। यूजली वांडा सैट इन द नेक्स्ट सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13। रूम नंबर 13 उनके क्लासरूम का नंबर है और वह लास्ट रो की लास्ट सीट पर बैठती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कॉर्नर में बैठती थी, वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट, जहाँ पर रफ बॉयज थोड़े शरारती नॉटी जो बच्चे थे, जो अच्छे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे वो बैठते थे। कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज स्कफलिंग ऑफ फीट, स्कफलिंग ऑफ फीट का मतलब होता है शोर नॉइज, पैरों को घसीटने की आवाज़ आती थी, वहाँ पर लाफ्टर हंसने की आवाज़ आती थी, कुछ भी मजाक होता था तो हंसते थे ठहाका मार के बच्चे। एंड द मर्ड एंड द डर्ट ऑन द फ्लोर, गंदगी होती थी फ्लोर के ऊपर जहाँ पर वांडा पेट्रांस्की बैठती थी। ये रूम नंबर 13 वांडा के क्लासरूम को डिस्क्राइब किया गया है। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ और नॉइजी थी, कि वो भी शरारती थी, वो भी शोर मचाती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी बिल्कुल जिसके अपोजिट, वो बहुत क्वाइट थी, शांत थी, एंड शी रेयरली सेड एनीथिंग, वो कभी कभार ही कुछ कहती थी, रेयर मीन्स बहुत कम। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी किसी ने उसको हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन टू अ क्विक क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वॉज ऑल, और थोड़ा सा अपना मुँह हल्का सा क्रुक्ड होता है, टेढ़ा करती थी मुँह थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए, बस इतना ही उसका रिएक्शन होता था, वो कभी हंसते हुए किसी ने उसको नहीं देखा था। नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सैट इन
इन दैट सीट. किसी को नहीं पता था वांडाउ सीट पे क्यों बैठती थी, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन हाइट्स. वो कहाँ से आती थी, बॉगिन हाइट एक जगह का नाम है, और जो उसके पैर होते थे वो यूजली केक्ड होते थे विद ड्राई मड, सूखी हुई मिट्टी कीचड़ उसके पैरों पर लगा रहता था. केक्ड विद ड्राई मड मतलब उसके पैरों पर कीचड़ लगा रहता था. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रांस्की. किसी ने वांडा पेट्रांस्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा. वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो आती थी और बैठ जाती थी बस, और बच्चे ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे. The time when they thought about Wanda was outside of school hours at noon time when they were coming back to the school or in the morning early before school began. और तब जो वांडा के बारे में सोचते थे स्कूल आने से पहले का टाइम और स्कूल छूटने के बाद का टाइम. इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, क्या होता था ग्रुप में दो तीन लड़कियाँ खड़ी हो जाती थी, टू और मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड. लड़कियाँ हंस रही होती थी, बात कर रही होती थी स्कूल आते समय. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, और वो क्या करती थी वांडा का वेट करती थी. क्यों वेट करती थी वांडा का वो लड़कियाँ, उसका उसके साथ मजाक करने के लिए, टू हैव फन विद हर. जो वो लड़कियाँ थी वो वांडा के साथ मजाक करती थी, एंड दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर. द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल either and nobody noticed her absence again. अगला दिन भी क्या था, ट्यूसडे था, मंडे को भी वांडा स्कूल नहीं आई और ट्यूसडे को भी नहीं आई, और किसी ने भी उसकी एब्सेंस नोटिस नहीं की. किसी को कुछ परवाह नहीं थी कि वांडा स्कूल आई है या नहीं आई है, ना मंडे को ना ट्यूसडे को. बट ऑन वेंसडे पेगी एंड मैडी हू सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रेन हु गॉट गुड मार्क्स एंड डिड नॉट ट्रैक इन द होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर. वेंसडे को पेगी और मैडी जो कि फ्रंट रो में बैठती थी और जिसके अच्छे मार्क्स आते थे, जिनके कभी कभी पैरों में मड या गंदगी नहीं होती थी, उन्होंने नोटिस किया कि जो वांडा थी वो आज स्कूल नहीं आई. अब आपको इस पेगी का डिस्क्रिप्शन दे रखा है. पेगी कौन थी, पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. स्कूल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी पेगी. शी वॉज प्रिटी, वो सुंदर थी. शी वॉज ब्यूटिफुल, शी हैड मैनी प्रिटी क्लोज. उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, एंड शी हैड हर हेयर वॉज कर्ली, और जो उसके बाल थे हर हेयर वॉज कर्ली, उसके बाल कर्ली थे. जो पैगी का डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको याद रखना है. मैडी कौन थी, उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी. किसकी, पैगी की. द रीज़न पैगी एंड द मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल. जो पैगी और मैडी थी, आज वो वांडा की नहीं आई है ये उनको नोटिस करा, और उनके ध्यान में ये बात आई क्योंकि आज वांडा की वजह से वो लेट हो गई थी. क्यों लेट हो गई थी वो, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर. वो इंतज़ार करती रही कि वांडा आएगी और हम उसका मजाक उड़ाएंगे, एंड शी जस्ट हैड नॉट कम. और वो आई ही नहीं, तो इसका इंतज़ार करते करते पैडी और मैडी लेट हो गई. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रांस्की टू हैव फन विद हर. वो बार बार ज़्यादातर उसका वेट करती थी, ऑफन भी ज़्यादातर उसके साथ मजाक उड़ाने के लिए. वांडा पेट्रांस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट. उस रूम नंबर 13 में ज़्यादातर बच्चों के वांडा पेट्रांस्की ऐसे नाम नहीं होते थे. दे हैड नेम इजी टू से आसान से नेम होते थे, लाइक टॉमस, स्मिथ, एलियन जो आसानी से बोले जाते, एलन सॉरी, जो आसानी से बोले जाते थे. देर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी. और बच्चों को लगता था ये नाम भी बड़ा ही फनी है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रांस्की वॉज. लेकिन पेट्रांस्की ज़्यादा फनी लगता था. वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, वांडा का कोई दोस्त नहीं था. ये वांडा का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे. वांडा का कोई दोस्त नहीं था. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. स्कूल भी अकेली आती थी और वापस भी अकेली जाती थी. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट. वो हमेशा एक फेडेड सी फीकी पड़ी हुई नीले रंग की ड्रेस पहनती थी जो कि ढीली ढाली उस पर आती थी. डिड नॉट फिट प्रॉपरली. इट वॉज क्लीन, वो क्लीन होती थी, बट इट लुक एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. लेकिन वो साफ तो होती थी लेकिन कभी उसको आयरन नहीं किया गया, कभी प्रेस नहीं किया गया. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं होता था. बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ उससे बात करती थी. समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, और उसके आस पास वो घेर लेती थी वांडा को. As she stood watching the girls play hopscotch on the worn hard road, जब ground, जब वांडा लड़कियों को hopscotch, टापू जिसे आप बोलते हैं, वो खेलते हुए देखती थी खड़ी होकर, तब वो लड़कियाँ उसे घेर लेती थी और उससे कुछ पूछती थी. वांडा पैगी वुड सी इन द मोस्ट कॉटियस मैनर एज दो दे वर टॉकिंग टू मिस मैसन. जैसे हम अपने टीचर से बात करते हैं रिस्पेक्ट देते हुए, वैसे ही मजाक करती हूँ वांडा से, वो सवाल पूछती थी. वांडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ फ्रेंड्स अ नज, अपने एक दोस्त को हल्का सा नज देते हुए, पुश करते हुए कि देख देख मैं वांडा का मजाक उड़ा रही हूँ.
क्या सवाल पूछती थी, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, तुमने कितनी ड्रेसेस बताई जो कि तुम्हारे क्लोजेट में तुम्हारी अलमारी में टंगी हुई हैं। वांडा का मजाक उड़ाते हुए उससे सवाल पूछा जाता था और वांडा बोलती थी 100। वांडा वुड से 100 ड्रेसेस। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल, सब एकदम से हैरान होकर बोलती थी। एंड द लिटिल गर्ल्स इनक्रूडसली का मतलब होता है जिसको हम बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। और जो लिटिल वन, जो बच्चे खेल रहे होते थे, वो भी हॉपस्कॉच खेलना बंद करके वहाँ पर खड़े होकर उसे सुनने लग जाते थे। या 100 ऑल लाइंड अप, 100 ड्रेसेज और सब एक लाइन में लगी हुई हैं, सेड वांडा। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, इतना कहकर वो चुप हो जाती थी, उसके जो लिप्स थे वो बंद हो जाते थे। वॉट आर दे लाइक, वो कैसी हैं, ऑल सिल्क आई बेट, लगता है सब सिल्क की हैं, पेगी बोलती है। या ऑल सिल्क ऑल कलर, सिल्क की हैं और सब कलर्स में है। वेलवेट की भी होंगी, या वेलवेट टू, वेलवेट की भी हैं। 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, स्टॉलिड का मतलब होता है बिना कोई फीलिंग दिखाए, बिना कोई इमोशंस दिखाए चुपचाप से बोल देना। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सब मेरे क्लोजेट में टंगी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, उसके बाद वो उसे जाने देती थी। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और अभी वो वांडा दूर नहीं गई होती थी, दे कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर मतलब ठा के मार मार कर जोर जोर से वो हंसने लग जाती थी। बस्ट इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन दैट शी वोर एवरी डे। 100 ड्रेसेस, जाहिर सी बात है कि वांडा के पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस थी, वो पुअर गर्ल थी, एक ब्लू ड्रेस थी जिसे वो रोज पहनती थी। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100, तो वो क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी बनाती है। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, तुम्हारे पास कितने जूते हैं, ये सवाल भी वांडा से पूछा जाता था, तो वो बोलती थी 60 पेयर्स हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सब मेरे अलमारी में लाइन से टंगे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड, एग्जैगरेट का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बोलना। एग्जैगरेट पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, सब बच्चे जानबूझकर बड़ा चढ़ाकर बड़ा ही मीठा होकर रिस्पेक्ट देते हुए बोलते थे। ऑल लाइक, क्या सब एक जैसे हैं, ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, नहीं नहीं सब पेयर डिफरेंट हैं, हर कलर के हैं और सब एक लाइन में लगे हुए हैं, अरेंज हो रखे हैं। पैगी हु हैड बॉट अप दिस थॉट अप दिस गेम एंड मैगी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, पैगी हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी ने ये गेम सोच रखा था। एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, मैडी को उसका इनसेपरेबल फ्रेंड बड़ी ही उसकी क्लोज फ्रेंड बता रखा है, इनसेपरेबल जो सेपरेट ना हो पाए। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, ये दोनों लास्ट में जाती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, फाइनली लास्ट में वांडा वहाँ से चली जाती थी स्ट्रीट गली में अपनी। हर आइज डल, उसकी आंखें बिल्कुल डल होती थी, उसका माउथ बंद होता था, कुछ नहीं बोलती थी। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन, अपना लेफ्ट शोल्डर नाउ एंड देन मीन्स बार बार वो हिलाती थी। इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल अलोन, और अकेली ही वो स्कूल तक चली जाती थी। इन द फनी वे, उसका जो चलने का तरीका था वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा फनी लगता था। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, पैगी को क्रूल नहीं बताया गया, क्रूल मतलब निर्दयी। ये नहीं कि कहते हैं हम पैगी निर्दयी नहीं थी, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो बड़े छोटे बच्चों को, बुलीज होते हैं जो बच्चों को तंग करते हैं, छोटे बच्चों को, उनसे बचाती थी। वो घंटों तक रोती थी इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीट, अगर वो देखती थी कोई एनिमल मिसट्रीट हो रहा है, किसी एनिमल के साथ बुरा सलूक हो रहा है। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, अगर किसी ने उससे पैगी से बोला कि तुम्हें नहीं लगता तुम वांडा के साथ बड़ा ही क्रूअल ट्रीटमेंट करती हो, तो शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो वो बड़ी क्या होती थी, हैरान होती थी। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, क्रूअल क्रूअल ट्रीटमेंट कैसा। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेज, वो लड़की ये क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज है। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, लाई मीन्स झूठ, हर कोई जानता है कि वो झूठ है। Why did she want to lie? वो झूठ क्यों बोलती है। And she just wasn't just an ordinary person. और वो कोई आम लड़की नहीं है। Else why did she have her name like that? और तो उसका ऐसा नाम क्यों होता। Anyway, they never made her cry. कुछ भी हो हमने कभी उसे रुलाया तो नहीं। They never made her cry. ये पैगी का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। उसके बाद आता है As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, अब आती है बारी मैडी की। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, मैडी की बात करें तो Wanda से रोज पूछना कि तेरे पास कितनी dresses हैं, तेरे पास कितनी hats हैं, तो जो मैडी होती थी, मैडी का क्या
रिएक्शन है इस चीज़ को लेकर कि जब पैगी वांडा से पूछती है हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स यू हैव एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट, तुम्हारे पास ये कितना है वो कितना है, एंड शी वॉज बॉदरिंग हर एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, ये चीज़ उसे बॉदर कर रही थी, बॉदर कर रही थी मतलब उसे इफेक्ट कर रही थी, उस पर असर डाल रही थी मैडी पर. क्यों असर डाल रही थी मैडी पे, क्यों रिएक्शन होता था मैडी का जब पैकी को कोई असर नहीं पड़ता था? इसका रीज़न ये है कि मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, जो मैडी थी वो खुद भी पुअर थी, गरीब थी. शी यूजली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वो ज़्यादातर दूसरों के उतारे गए पुराने कपड़े, हैंड मी डाउन क्लोथ्स होता है जो दूसरे ने किसी ने पहन रखे हैं वो कपड़े हम पहन रहे हैं तो वही पहनती थी. थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव ऑन बॉगिन हाइट्स, शुक्र है कि वह बॉगिन हाइट्स पर नहीं रहती थी और ना ही उसका कोई फनी नेम था. तो मैडी को फील होता है कि मैं भी पुअर हूँ बट शुक्र कि मैं बॉगिन हाइट्स पर नहीं रहती और ना ही मेरा कोई फनी नाम है. समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बैरस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ. और जब कभी पैगी वांडा से सवाल पूछती थी, बड़े ही मॉकिंग पोलाइट का मतलब होता है फॉल्स, झूठी पोलाइटनेस दिखाना, झूठी किसी का मजाक उड़ाने के लिए झूठी पोलाइटनेस दिखाते समय, तो उस समय मैडी को बड़ा एम्बैरस फील होता था, उसे बड़ा अशर्म आती थी, अशर्म फील होता था और वो अपने हाथ में कुछ जो मार्बल्स होते थे उन्हें घुमाने लग जाती थी और कुछ नहीं कह पाती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वांडा के लिए सॉरी फील करती थी, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, अगर पैगी वांडा की तरफ इस तरह से ड्रेसेस वाला गेम नहीं करती, मजाक नहीं करती, तो शायद मैडी कभी वांडा को देखती भी नहीं, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती. बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, अगर पैगी और बाकी सब ने शुरू कर दिया तो वो उसके ऊपर उसका मजाक उड़ाना, तो वो क्या करेगी? शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, वांडा की तरह गरीब तो नहीं है परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी. ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस. हाँ, वो वांडा की तरह कभी ये नहीं कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, वो उसको लगता है कि मेरे पास ज़्यादा सेंसेज हैं, ज़्यादा दिमाग है, मैंने ऐसा नहीं बोलती. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन हर, लेकिन वो नहीं चाहेगी कि वो मेरा मजाक उड़ाएं. शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रॉन्स्की, मैडी चाहती है कि जो पैगी है वो भी वांडा पेट्रॉन्स्की का मजाक उड़ाना बंद कर दे. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, आज जबकि वो स्कूल के लिए लेट हो गई हैं तो मैडी खुश थी कि आज उसे वांडा का मजाक उड़ाना नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पसंद नहीं था वांडा का मजाक उड़ाना. शी वर्कड अरिथमेटिक प्रॉब्लम एबसेंट माइंडेडली, बड़ा एबसेंट माइंडेडली होता है ध्यान नहीं लगना, मन नहीं लगना, अपने आप मैथ्स के सम्स कर रही थी, 8 times 8 सवाल बोल रही है वो. लेट सी शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पैगी एंड नॉट, अब वो करती है कि काश मेरे में हिम्मत होती, हैड अ नर्व का मतलब होता है हिम्मत होती, मैं पैगी को एक लेटर लिखती, नोट लिख के देती हूँ, क्योंकि वो उसे बोल तो नहीं पाती, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज उसके पास टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, पैगी से सीधे बात करने की तो हिम्मत नहीं है, तो मैं उसको नोट लिख देती हूँ, मैं उसे क्या बोलूँगी, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज, पैगी चलो हम बंद कर देते हैं वांडा से पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेज हैं. व्हेन शी हैड फिनिश्ड हर अरिथमेटिक शी सेड स्टार्ट शी डिड स्टार्ट नोट टू पैगी, उसने जब अपना सवाल खत्म करे फिर उसने नोट लिखना शुरू करा. सडनली शी पॉज्ड, वो रुक गई अचानक से, एंड शडर्ड शिवर्ड कांप गई, डर गई वो. क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि शायद अब मैं मजाक बन जाऊंगी. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने सोचा कि मैं स्कूल यार्ड में खड़ी हूँ वांडा की तरह, अब मैं नया टारगेट हूँ पैगी और बाकी गर्ल्स के लिए. पैगी माई टास्क है वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, पैगी मुझसे पूछेगी तुम्हारी ड्रेस कहाँ से आई, और मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वन, और मुझे कहना पड़ेगा ये तो पैगी की पुरानी ड्रेस मैंने पहन रखी है जो कि मेरी मदर ने कोशिश करी है डिस्गाइज करने की. डिस्गाइज का मतलब होता है थोड़ा उसको ढक देना, उसके रूप बदल देना, उसकी बिल्कुल लुक बदल देना, नई ट्रिमिंग्स लगाकर, नई ड्रेस में नई झालर या गोटा जैसा कुछ लगाकर उसका लुक बदल देना, जिससे कि रूम नंबर 13 में कोई उसे रिकग्नाइज ना कर सके, कोई उसको पहचान ना सके. तो ये सोचकर मैडी डर जाती है कि जैसे आज वांडा के साथ सलूक हो रहा है, कल को मेरे साथ भी होगा. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, अब मैं अपनी खुद से ऑन अकॉर्ड का मतलब होता है खुद का डिसीजन ले लेती हूँ कि मैं वांडा का मजाक नहीं उड़ाऊंगी. ओ वेल मैडी रैन एंड हर्ड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, वो अपने छोटे छोटे बालों में हाथ घुमाती है जैसे कि वो अपने उस थॉट्स को, उन विचारों को उस टाइम निकाल देना चाहती हो दिमाग से. वॉट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है.
स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड. जो नोट वो लिखने वाले लिख रही थी पैगी के लिए, उसने उसको टुकड़ों में तोड़ दिया, फाड़ दिया. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड. वो पैगी की सबसे अच्छी फ्रेंड थी. एंड पैगी वॉज बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. और सब कोई पैगी को सबसे ज़्यादा पसंद करता था. तो पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट रियली रॉन्ग. पैगी कुछ गलत नहीं कर सकती, ऐसा उसने सोचा. एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपॉन बॉगिंग हाइट्स. और वांडा कौन थी? एक सिंपल सी लड़की जो बॉगिंग हाइट्स पर रहती थी एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड. और अकेली स्कूल के यार्ड में खड़ी रहती थी. शी स्कार्सली, स्कार्सली मीन्स मुश्किल से ही, कभी कभी, रेयरली वो कुछ कहती थी किसी से. रेयरली सेड एनीथिंग टू एनीबडी. एंड द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस. सिर्फ वो किस बारे में बात करती थी? अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में. मैडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. मैडी को याद आया कि वांडा ने उसको एक ड्रेस के बारे में बताया था, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग. एक पेल ब्लू कलर की ड्रेस थी, पीले नीले रंग की ड्रेस थी जो कि जिसमें ट्रिमिंग्स लगी हुई थी, झालर लगी हुई थी. एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश. और एक थी जंगल ग्रीन कलर की जिसमें रेड कलर का सैश लगा हुआ था. यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन. लड़कियों ने बड़ा ही प्रिटेंडेड, मतलब होता है दिखावे की, उसकी तारीफ करते हुए बोला था कि इस ड्रेस में तो तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसी नज़र आओगी. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and the coloring contest. अब वांडा की बारे में सोचते सोचते जो मैडी थी वो सोचने लगी कि ड्राइंग का कॉम्पिटिशन हुआ है, कलर कॉम्पिटिशन हुआ है, वो कौन जीतेगा. For girls, the contest consisted of designing dresses. लड़कियों के लिए तो जो contest था वो dresses design करने का था, और boys के लिए motorboat design करने का था. Probably Peggy would win the girls medal. लड़कियों का medal तो Peggy ही जीतेगी. Peggy drew better than anyone else in the room. उस room number 13 में सबसे ज़्यादा अच्छी drawing किसकी थी? Peggy की थी. वो सबसे अच्छी drawing करती थी. At least that's what everybody thought. ऐसा ही सब सोचते थे. She could copy a picture in a magazine or some film star head. वो कोई भी picture को इतने अच्छे से copy करती थी, किसी भी film star की तस्वीर को इतने अच्छे से copy करती थी, so that you could almost tell who it was. उसको देखकर आप बता सकते थे ये किसकी तस्वीर है. ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. मैडी को ये पक्का था कि इस ड्राइंग कॉम्पिटिशन में, लड़कियों के कॉम्पिटिशन में तो पैगी ही जीतेगी. वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, देन दे वुड नो. कल टीचर विनर्स को अनाउंस करने वाली है, तब उन्हें पता चल जाएगा. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग का मतलब होता है हल्की हल्की बारिश होना, हल्की हल्की बारिश पड़ना. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. मैडी एंड पैगी हर्री टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. मैडी और जो पैगी थे वो दोनों स्कूल की तरफ भाग रहे हैं पैगी के अम्ब्रेला में. नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट. ऐसे दिन वो बारिश हो रही है तो वो उसका वेट नहीं करते थे. एंड स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन हाइट्स. वो स्ट्रीट जो कि रेल रोड ट्रैक के नीचे पहाड़ी की तरफ जाती थी, जो कहाँ जाता था रास्ता? बॉगिन हाइट्स. बॉगिन हाइट्स कौन सी जगह है? जहाँ पर वांडा रहती थी. एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पॉर्टेंट. आज मैडी और पैगी लेट नहीं हो सकते, कोई चांस नहीं ले सकते, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है. क्यों है आज इंपॉर्टेंट डे? क्योंकि आज जो ड्रेस कॉम्पिटिशन का, जो डिज़ाइन ड्रेस ड्राॅइंग का जो कॉम्पिटिशन का ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ है, उसका रिजल्ट आने वाला है. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे? क्या तुम्हें लगता है कि आज मिस मैसन विनर्स को अनाउंस कर देगी? पैगी ने पूछा. ओ आई होप सो एंड द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग. और जैसे ही हम अंदर जाएंगे वो अनाउंस कर देगी, और मुझे पता है कि तुम जीतोगी. पैगी को पैग कह के बुलाती है प्यार से. कौन? मैडी. होप सो, सेट पैगी ईगरली. पैगी ने बड़ी ईगरली होता है बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी ईगरली बोली पैगी. हाँ हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है. होप सो ईगरली होता है बड़ी ही उत्सुकता के साथ, बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ. वो क्यूरियसली बोली कि मैं ही जीत सकती हूँ, मुझे उम्मीद है. द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम. अब उन्होंने क्लासरूम में एंट्री करी. दे स्टॉप शॉर्ट एंड गास्प. रुक गए, और गास्प होता है सांस जिसे बड़ी तेज हैरान होकर हमारा मुंह खुले के खुला रह जाता है. दे वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम. पूरे रूम में ड्राइंग्स थी. ऑन एवरी लेज, खिड़कियों के में जो जगह होती है उसे लेज बोलते हैं. विंडो सिल्स पे ड्राइंग थी, हर जगह ड्राइंग ही ड्राइंग थी. डेजलिंग कलर्स, बहुत ब्राइट कलर्स, ब्रिलियंट लैविश डिज़ाइन, बहुत ही ग्रैंड डिज़ाइन थे. ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर. और सारी ड्राइंग किस पे बनी थी? रैपिंग पेपर की बड़ी बड़ी शीट्स पे बनी थी. और 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप. और कम से कम 100 ड्राइंग्स थी और सब एक लाइन में लगी हुई थी.
दीज मस्ट बी द ड्राइंग ऑफ द कॉन्टेस्ट, ये सब ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए ड्राइंग होंगी, दे वर, और वो थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, एडमायरिंगली होता है तारीफ करते हुए, विसल कर रहे, मर्मर होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे सब बच्चे बातें करने लगे, देखो कितनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स है, एडमायर करने लगे। एज जैसे ही क्लास असेंबल हुई, एज सून एज द क्लास असेंबल, मिस मेसन, उनकी टीचर का नाम है मिस मेसन, उन्होंने विनर के अनाउंस करे। जैक बीगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज, लड़कों में तो जैक बीगल्स जीता था, एंड शी हैड इन द डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर फॉर द एग्जीबिशन इन रूम नंबर 12। और आउटबोर्ड लड़कों के लिए मोटर का कॉम्पिटिशन था, तो वो जो सारे डिज़ाइन थे वो रूम नंबर 12 में लगे थे, अलॉन्ग विद द स्केचेज बाय द अदर बॉयज। तो टीचर ने लड़कों का तो अनाउंस कर दिया, जैक बीगल्स विनर था। अब गर्ल्स की बारी आई, शी सेड ऑल दो जस्ट वन और टू स्केचेज वर सबमिटेड बाय मोस्ट, एक सब लड़कियों ने एक या दो स्केचेज सबमिट करे, लेकिन वन गर्ल इन द रूम नंबर 13, एक लड़की है रूम नंबर 13 में जिसमें आपको प्राउड होना चाहिए, दिस गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन, उसने 100 डिज़ाइन बनाए, एंड ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सब डिफरेंट थे, सब ब्यूटीफुल थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस के ओपिनियन में, एंड वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, हर एक उसकी ड्राइंग इनाम जीतने की वर्दी है, हकदार है, काबिल है कि हर उसकी ड्राइंग इनाम जीत सकती है। 100 की 100 ड्राइंग्स इतनी अच्छी हैं कि सब कोई इनाम जीत सकती है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ अ विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। लड़कियों का मेडल किसने जीता है? वांडा ट्रांसकी ने। तो मिस मेसन ने ये रिजल्ट अनाउंस करा। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर सम डे, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वांडा कुछ दिनों से स्कूल से एब्सेंट है, और वो आज यहाँ अप्लॉज का मतलब है तारीफ, जो कि उसकी बनती है, इज़ ड्यू टू हर, जो उसकी तारीफ की वो हकदार है, वो आज पाने के लिए वो यहाँ पर नहीं है। लेट अस होप शी विल बैक टुमारो, उम्मीद करते हैं कल वो वापस आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग, बच्चों आप रूम में चुपचाप से घूमिए और उसकी एक्सक्यूजिट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जो बहुत खूबसूरत है, वेल मेड ड्राइंग्स है, उसे आप देखिए, एक्सक्यूजिट। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू अप्लॉज, जो बच्चे थे बस्ट इनटू अप्लॉज होता है, अचानक से खुशी से तालियां बजाने लगे, तारीफ में तालियां बजा दी उन्होंने। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, लड़के भी कूदने लगे फर्श के ऊपर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, अपनी उंगलियां अपने मुंह में डालकर विसल बजाने लग गए, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, जबकि वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भी अप्लॉज किया। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, देखो पैगी ने चुपचाप से विस्परिंग किया, कान में उसके बोला दैट